हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रह का होता है कि राहु या केतु भूमि और सूर्य के बीच में सबसे गुजरने लगते हैं। छाया पड़ने के बाद ग्रहण सूर्य और चंद्रमा बनता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की किरणें हमारे पर डायरेक्ट आती है। इसलिए इस बीच राहु और केतु ग्रह बन जाते हैं भूमि और सूर्य, भूमि या चंद्र के बीच में से, तो ग्रहण आता है। सूर्य ग्रहण यह शास्त्र संबंध है। हमारे पास शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इस ग्रहण का ज्ञान पहले देने वाले प्रबोध शास्त्री महर्षि अत्रि महामुनि ने कहा कि इस जो अत्रि महामुनि का मंत्र है वो ओम नाम विष्णु सूर्याय ओम पठो। अत्र मातृ बुद्धि जो है वो सूर्य उपासक थे और हमने पहले प्रबोध शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में संसार में कथा। सूर्य और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, हमारे पास सूर्य चंद्र की किरणें करने से, चंद्र की किरणें करने से अपने पेड़ों में रस आदि का निर्माण होता है और सूर्य की किरणें करने से यहाँ जो हरा हरापन दिख रहा है वो सूर्य जैसे किरण जैसे संयोग किया, सूर्य की किरणों के पेड़ पर पड़ने के बाद हरे पत्ते या पीले पत्ते होने का, और हमारे कुछ हरे भरे खाने से हमारे शरीर में शक्ति आने की क्रिया होती है। इसे सूर्य का प्रभाव जमीन पर होने वाले हर वृक्ष पानी समुद्र जल और सभी पर इसका प्रभाव बताया जाता है। तो इसे हम अगर विशेष रूप से सूर्य की प्रक्रिया रुक जाती है, सूर्य से कोई अड़ा आ जाए तो तब इन दोनों के बीच में कोई ऐसे कीटाणु का जन्म होता है, वो कीटाणु पृथ्वी पर रहने वालों को खराब करते हैं। तो कहा गया है कि सूर्य ग्रहण जब आरंभ हो जाए तब मनुष्य ना कुछ खाए, क्योंकि उसे विषाणु विष के कीटाणु उनके पेट में चले जाते हैं, पर उसको पेट दर्द होना या कोई बीमारी होना होता है, मरभूमि का विसर्जन भी उस कीटाणु के मन से हमारे शरीर में जाकर ज्यादातर के लिए जो लिक्विड आत्मा है जो सफेद होने वाली क्रिया है वो सूर्य और चंद्र ग्रहण में ही मनुष्यों को होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इन सभी के इसमें आपको कहना चाहे आज का सूर्य ग्रहण 4:29 को आरंभ हो रहा है और 6:19 को हो रहा है हैदराबाद के टाइम के अनुसार। हैदराबाद के टाइम के अनुसार 4:19 को आरंभ होकर 6:19 को खत्म हो रहा है। तो आप सब लोग ग्रहण की साधना के लिए आए हैं, तब भगवान अत्रि महर्षि ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की थी, उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आपको यह अगर हमारे दोनों के बीच में यानी पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी और जो भी मनुष्य हैं उनके और आपके बीच में यह जो अंधेरा चाहता है इससे विष्णु के नाम जो आते हैं इसका उपाय क्या है। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि राहु या केतु जब कष्ट होता है सूर्य भगवान को भी हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ न कुछ कष्ट पहुँचता है, और उस समय जो मनुष्य सोता नहीं, जो मनुष्य कुछ खाता पीता नहीं यानी कोई भोग ही वस्तु करता नहीं और मनुष्य विसर्जन करता नहीं, ऐसे लोग अगर कोई जप आदि कर रहे हैं तो भगवान सूर्य समझते हैं कि यह जब मेरे लिए कर रहा है, मैं तेरे को राहु प्रसिद्ध है और राहु को छुड़ाने के लिए मंत्र जप कर रहा है, ऐसा समझते हैं और कहते हैं कि जो आज इस ग्रह में 5 महीना जप करता है तो 1 लाख के बराबर है। उसकी सिद्धि के लिए सूर्य भगवान और चंद्र भगवान दोनों ही जब ग्रहण का ग्रह है वो उसकी सिद्धि को प्रदान करते हैं। तो पहला नियम है इस जैसे ही सूर्य ग्रहण आरंभ हुआ 4:29 को आपको 5 मिनट या 10 मिनट पहले स्नान करके तुम्हारे अनुसार जो तुम्हारी मैंने तारा और नमस्कार साधना को ही क्यों चुना, क्योंकि ये जो साधनाएं भी सूर्य और चंद्र से संबंधित है और इन ताराओं में जो दिवाली को आता है 110 साल के बाद कहते हैं कि यह दिवाली तक सूर्य ग्रहण आया है, तो इस सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में हमें नमस्कार या तारा साधना ही श्रेष्ठ कहलाएगी। तारा साधना के माध्यम से हम संसार की किसी भी वस्तु को किसी भी चीज को
हमारे में समाहित कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं और उससे रक्षा पा सकते हैं। और जिन अवस्था से असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति आती है, जिन अवस्था अवस्था है रोगों को रोगों का निवारण जिन अवस्था साधना से होता है। इसलिए मैंने ये जो साधनाएं विशेषता दी है, बहुत सारे लोग उसने बोले हम माता के करें या वो करें या करें, नहीं, हम काल के अनुसार करते हैं। तो आपके सीजन में आम आए तो ये अच्छा है, सीतामा के सीजन में सीतामा, जैसा हम काल का निर्णय है उसी प्रकार काल के निर्णय में अगर हम जिन अवस्था और तारा का साधना इस ग्रहण को दिवाली के ग्रहण को करते हैं, मंत्र एक बार भी हम नहीं बोल देते या पांच बार भी नहीं या पांच माला भी नहीं, वह सब माला के बरोबर होता है। तो इसलिए तुम्हें उस साधना को जो मैंने कहा करना है, फिर बार बार आप ये नहीं पूछना कि गुरु जी हम कौन सी साधना करें, हम माता की करें क्या, चंदे करें क्या, नवाना करें क्या, ये सारी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये साधना करने से सफलता मिलती है, क्योंकि इस संस्था में नवाना दुर्गा महाविद्या काली दशमा विद्या सारी इसी में समाहित हो जाती है। इसके इन दोनों का मंत्र करने से ही तुम्हें उन सारी की जितनी संसार में देवियाँ हैं उन सभी का समान उसमें रहने के कारण ये दो साधनाओं में कोई एक साधना हम संपन्न करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अभी आप पर निर्भर करता है कि कौन सी साधना करें। इसके बाद मैं ये जो कहता हूँ कि हम जैसे ही सूर्य ग्रहण लगे 4:24 उससे 5 मिनट पहले हम स्नान कर लें, गीले कपड़े ना पहने। क्यों? क्योंकि गीले कपड़े पहनने से मलमूत्र विसर्जन की तकलीफ होती है और सूर्य ग्रहण के समय में जो मलमूत्र विसर्जन करता है उसको निश्चित रूप से चर्मव्याधि होती ही है। सूर्य से कहा गया है चाहे सूर्य से संबंधित चर्म का खराब होना या लिपोडर्मा अपने हाथ सफेद सफेद हो जाना, इस सूर्य चंद्र ग्रहण में अगर सूर्य को देखते हुए या सूर्य को देखते हुए मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो ये बीमारियाँ निश्चित रूप से आती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो इसका हम बहुत ही प्रिकॉशन ले लें कि हमारे में उस समय में हमारे मलमूत्र विसर्जन करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे लोग वेद देते रहते हैं कि 4 घंटे पहले से पानी काफी 4 घंटे बंद कर देते हैं ताकि उस समय अपने को मलमूत्र की तकलीफ ना हो। उसके बाद उस समय कुछ भी खाना या पेट में जाना पेट की बीमारियों को निर्माण करता है। पेट की बीमारियों के साथ साथ हार्ट की बीमारियों सब जैसा सूर्य से बाहर के चर्म को खराब करता है वैसा खाना खाना अंदर जाता है, इसलिए अंदर की सारी अपनी बीमारियों को खराब कर देता है। उस सूर्य ग्रहण के समय में कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। और उस समय में मैंने आपने जितने भी आज तक मंत्र किए हैं अगर आपको याद है तो कम से कम 5-5 बार तो उस मंत्रों को बोलो जिसको प्रेक्षण रखा गया है। इसलिए कि तुम 5 बार बोल लेने से भी भगवान सूर्य तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो भी मंत्र कहा उसकी सिद्धि में प्रदान करता। तो आपको गुरु मंत्र चेतना मंत्र और कोई भी मंत्र जिसने जो आपने किए हैं उसकी सिद्धि के लिए आपने आज तक मंत्र किया कम से कम 5-5 बार बोल दिया और उसके बाद तारा या चिन्हों का साधना में कोई एक साधना संपन्न करो। अब इन दोनों के होते हुए भी सभी को एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पैसा आना ही चाहिए चाहे ग्रहण हो कि ग्रहण का बाहरी समस्या। तो ये तो प्रधान समस्या है हमारे जीवन में। गुरु जी बीमार हुआ परवाने के लिए मैं करोड़पति को जरूर करूँ ऐसा कहने वाले हुए मेरे पास और ऐसे भी लोग हैं कि गुरु जी करोड़पति पत्नी मिल जाए तो बस है सारा कुछ, गुरु जी आप रहे या ना रहे करोड़पति पत्नी तो जरूर मिल लीजिए। तो ये सारी संसार की रीतियाँ मैं उसके गुरु हूँ इसलिए ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे उसके लक्ष्य से संबंधित जो भी क्रिया है उसके लिए 108 एक विशेष मंत्र दिया हूँ, उससे 108 डालना जिससे रोग निवारण होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी स्नान करने के बाद। तो ये सारा समय भी आपको एडजस्ट करना है, दूसरों को कष्ट ना देते हुए दूसरों की साधना में अड़चन ना करते हुए ये सारी साधना कुंड के पास की जाए कोई भी यहाँ लग जाएगा ग्रहण करके नहीं आएगा इसको छू लिया तो उसका पाप में नहीं लगेगा क्योंकि किसी को छोड़ा नहीं है वहाँ स्नान करते हैं ग्रहण छूट में स्नान करके उनके बाद यहाँ आ सकते हैं लेकिन ग्रहण के समय में बैठा हो इस इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आज की साधनाओं में मैंने बताया पहले गुरु मंत्रादि करो स्नान करने के बाद तुम्हारा एक बार 5 बार जितना भी दो मंत्र याद है उसमें ये है उसको बार बार बोलो उसके बाद चिन्हवस्था या तारा साधना आरम्भ करो उसको पूर्ण करो और उसके बाद तुम्हें 108 वृद्ध की जीत जाना। वैसे 6:19 को ग्रहण समाप्त हो रहा है लेकिन फिर भी अगर आपको समय नहीं मिला
तो 7:08 तक ही हम युद्ध की अवधियाँ डालते हैं, तो ठीक की अवधियाँ 108 तक हम कुंड में डालते हैं, तो हमें इससे लक्षण प्राप्ति होती है। हमारा चरित्र का नाम करते हुए लक्षण का नाम करते हुए लक्षण प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान दिवाली पर है। दिवाली का लक्षण आराधना का श्रेष्ठ तत्व है, श्रेष्ठ तत्व कहा गया है, इसलिए हम पुनः उस तत्व को उस अवधि को डालना ही है, युद्ध की अवधि ठीक की अवधि डालना ही है। ये आप पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे, आप निर्णय आपको करना। ये साहित्य में बहुत सारे लोग यहाँ जो आए हैं उसमें मैंने ये कहा है कि जो तुम्हारे असंभव बीमारियाँ हैं वो लोग आए हैं, वो लोग एक बार उठ के खड़े हो जाए, मैं उनको बोलूँ जबर इनके अनारों के ऊपर बना देते हो चुनाव के अनारों में वो आई खड़े नारे निलबड़ी ఆరోగ్యం కలగాలని వచ్చిన మటు నిలబడండి, మీకు ఏమైంది ఉన్నాయి ఆ సభ్యులు ఎవరికైతే ఆ ధనానికి ప్రాప్తం ఉందో వాళ్ళు కుండంలోనే నిలబడి కుండమే కడేయలేక కుండుకి మిట్టికు అని శరీరం కూడా కాదు ఓ క్లీన్ నమ ఏ ప్రసన్న చూడే దీక్షా లేని उनको उनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। मैं आपको कुंड को स्नान जैसे करवाता तो आप कुंड योग का पट्टी ने भी शेयर किया था जो कि ओम क्लीन नमः ये मंत्र करने के लाठी के रोगों में न कहना था उसको रोना था आ रोगों को पकड़ के आप ही मंत्र तो ग्रहण कार्य तो भी कुंड को निर्वाण करने ग्रहण जो के करवाता नारी के प्रति दीक्षा इसको नहीं आता तो मर्द स्नान जैसे फिर वर्तन की संपत्ति मी युक्त समस्त ये रोगों को मैं क्यों चुना आरोग्य करने के लिए तब उसको मैं पिछली समस्त बच्चे को पूर्ति का तब करने अशुद्धना उसे भी बोला अशुद्धना जबर के ते रोग जो ये रोगों को मैं क्यों बेचने के लिए चलवा मैं नहीं कहा उसको इसके में ना पाता था उसको वाड़ों का मतलब जब मुझे ये बोलता हूँ కుండల మట్టిని శరీరానికి పెట్టుకుని తిరకంగా పెట్టుకుని ఆ కుండలని లేవడి ఓ క్లీన్ నమ ఓ క్లీన్ నమ మంత్రం కట్టారు చెప్పబడుతుంది చెప్పబడుతుంది కాబట్టి అలాంటి కార్యం చేయకుండా ఒకటి జరిగింది కాబట్టి సూర్యుడికి వేధారమైనా మనకు 4-5 గంటల ఉంటే ఏమి తినకుండా ఉంటే అప్పటికి మనకు తెలుస్తుంది కాదు కాబట్టి మనమందరము సూర్యుడి ఆరాధన 5 నిమిషాల ముందు స్నానం చేసుకుని కుండంలో చెట్టకి కుండంలో చుట్టుపక్కల స్నానం చేసి తారాధన సమస్త కుటుంబం చేసే వాళ్ళు సాధిస్తున్నారు వాళ్ళకి పట్టు పంచుకొని పైకి కూర్చుండి 6:18 వరకు సాధన పూర్తి చేసి మళ్ళీ కూడా స్నానం చేసేసి పైకి రండి. ఆ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే మనకు సూర్యుడిపై క్లియర్ అయితే కట్టించడానికి కాబట్టి రేపు పొద్దున వరకు దేవుడిని ముట్టడం కానీ దేవుడి పూజ చేయడం కానీ శాస్త్రంలో చెప్పబడి లేదు. కాబట్టి మేము రాత్రి ఇక్కడ ఏమి అడుగులు చేసినా పిచ్చి చేసినా తినేసి చేస్తాడు మిగతా వాళ్ళు నాకు అడ్డు తినేసి ఈ కాపీ కుదర సూర్యుడిపై చూసిన తర్వాత దేవుడిగా పూజ చేయడం కాదు అప్పటి ముందు ఏ గుడిని జరగదు అప్పుడు ఏ గుడిగా పూజ స్నాన కరే స్నాన
श्रीरामचंद्र से चार मंदिर के लिए और सीधा मंदिर जाए, किसी भी मंदिर में कल समाचार जाना नहीं है। एक प्रतिष्ठा को यह मंदिर नाम को रखने को रहे हो रत्न सूर्य में कल कुछ चलाते हैं आप इसे देव को देते हैं बेटा आप इसे देव को मंदिर आपने बैठे हैं ना कि देव को उठे हैं करने के लिए मंदिर जाकर कपाट को चुपना या करना स्नान के बाद ऐसा मत करो। कल सुबह तक कोई मंदिर चला नहीं रहेगा, जो भी बीमार हो गए वो कुंड में फिर एक बार होगा कुंड में जाकर खड़े रहो स्नान करो और कुंड की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लो और ओम क्लीम नमः सूर्य प्रणाम सूर्य छोटे ग्रहण छोटे तक उस कुंड में खड़े रहो। कुंड में खड़े रहना नहीं होता है तो आप पालन कर लो फिर ग्रहण छोटे के बाद स्नान करो और मेरे पास से दीक्षा ले लो। 40 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। और मैंने चिन्नमस्ता या तारा के बारे में कहा है कि जिनके पास महाशन महाशन की प्राप्त होता है मनुष्य भूमि को महाशन तारा साधना में इसमें लाल लाल पताका रखते हैं और उसको देते हैं या और इसके अवधि की देने से तारा देवी निश्चित रूप से अपने को आता देती है ऐसा शास्त्र कहा गया। ये केवल सूर्य ग्रहण में होता है, चंद्र ग्रहण में इसकी साधना नहीं है, केवल सूर्य ग्रहण में ही तारा और चिन्नमस्ता की साधना होती है, तो इस सूर्य ग्रहण में मैंने जैसा लिखा है तो किताब में आप पढ़े हैं तो वैसे ही साधना करते हुए उसकी आहुति वहाँ देखे मुंह रखा हूँ को वहाँ रजत को बनाने के बाद उसको जैसे आहुति वहाँ दे दो और तुम्हारा अगर तुम्हारे पास शंख है तो उसको ले लीजिए उस शंख को भी स्नान करवा कर अपने पास अपने घर या जगह भी ला लीजिए उसको फिर दरकार के साथ रहना उसको छोड़ना है उसको कुछ नहीं करना उसको सिंदूर कर जहाँ से आए हैं वहाँ दे दो या आश्रम में रख दो घर में नहीं रखना चाहिए। तारा बहुत बुजुर्ग रूप में है और प्रत्यक्ष होगी तो अपने जीवन में अपना जीवन में मिल जाता है उसको औषधि प्राप्त होती है औषधि प्राप्त होती है बुद्धि प्राप्त होती है और उस संस्था में सर्वशक्तिमान मनुष्य कह जाता है। इसलिए तारा को जिस अवस्था हो अपने जीवन के असंभव कार्यों को संभव करने वाली देवताएँ हैं इस साधना को इस ग्रहण में करने का प्रयत्न करो। मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता है जब तो कर लो या दूसरी जो नियम करते हैं वो कर लो और रोग है तो वो ठीक नाम का मंत्र करो दूसरे रोग को डिस्टर्ब मत करो। और जो लोग कुछ नहीं कर सकते धन प्राप्त के लिए मैंने एक मंत्र दिया है उसको 108 बार युद्ध की आहुति यानी खेल की आहुति यही आहुति रोग होता है इसका तो ये ठीक था रोग आता है अगर कोई डिस्टर्ब टाइप होता है स्थान जिसमें आर एल एल आर एल निशान बड़े स्थान किसी बटन का सुनी फिर सीधा मेहनती कर लेंगे ये देवर बुद्धि बढ़ा करके देवर बुद्धि तेरा बड़ा बहुत अच्छी हो जाओ मैं ये भी बढ़ी था बहुत अच्छा सूर्य पे हम आर्मी का खुशी करवाता पढ़ लेता है जिसे जीवन से बोली ये भी ना बहुत अच्छा है कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पढ़े पूजे स्टॉप कर दो मैं पूजा